और भाई लोगों क्या हाल चाल है। अब मैं दिखाऊंगा कि बोहोल में आपको अंदाजा नहीं होगा कि मैं कहां पर हूं। मैं हूं इंडियन रेस्टोरेंट में। तो मैंने कहा कि फिलीपीन में इंडियन आपको हर जगह मिल जाएंगे, प्यार से भी और हर तरीके से भी। ओके, तो अभी मैंने जहां पे मैं ठहरा था वहीं पे जो इंडियन रेस्टोरेंट था, तो मैंने ये सोचा कि मैं चलता हूँ, मिलता हूँ भाई से, कोई होगा इंडियन भाई जो हैंडल कर रहा होगा। तो आप समझ गए होंगे कि मेरे पीछे अमिताभ बच्चन है और इंडियन सोई भाई। लोगों ये है बॉलीवुड रेस्टोरेंट बार, ये देख रहे हो आप, ये है हमारा बॉलीवुड रेस्टो बार तड़का। ये रहा हमारा खाना, ये तो ये है पूरी, ये है नान, ये है शाही पनीर और ये है हमारा फूल आलू। कहीं भी जाओगे आपको शायद से इंडियन फूड मिल जाएगा। और ये है मेरे भाई, इंडियन भाई बिहार से हैं, विनय कुमार सिंह, विनय जी है। और ये यहाँ पे अभी जस्ट अभी मतलब साल भी नहीं हुआ है, तो अभी ये यहाँ पे मूव हुए हैं और वो यहाँ पे सेटल होना चाहते हैं। तो ये जो रेस्टोरेंट कोई बहुत प्यारा जगह है, कोई भीड़ भाड़ा का नहीं, तो कोई भाई का है तो ये यहीं पे रह के अपने जो भाई के साथ ही काम घूम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको इंडियन रेस्टोरेंट या इंडियन आपको फिलीपीन में तो मिल ही जाएगा। तो अब ये भाई भी इन्होंने अपनी जहाँ पे जॉब ली थी उसको छोड़ के अब यहाँ पे सेटल हो रहे हैं। तो अगर आप भाई लोग भी सोच रहे हैं फिलीपींस की, तो फिलीपींस एक बहुत अच्छी जगह है। क्यों भाई आप समझ सकते हैं कि फिलीपीन में आपको इंडिया का हर सामान मिल जाएगा। ओके, तो ये भाई को अभी यहाँ पे साल भी नहीं हुआ है और ये यहाँ पे बार्टेंडर हैं, बट यहीं पे सेटल होना चाहते हैं, अपना काम खूम देखना चाहते हैं। तो ये है कि आपके पास चांसेस, आपके आप कहीं भी अगर रहना चाहें यहाँ पे आपके पास स्कोप है, बट आपको हार्ड वर्किंग होना चाहिए, आपको पता वो होना चाहिए कि मुझे करना क्या है, प्लान एक प्लान के साथ आइए। क्यों भाई, है ना भाई, देखो भाई बहुत अच्छा जगह है भाई, रिटायर होने के लिए अच्छा है। मैं ये नहीं बोलता हूँ इंडिया अच्छा नहीं है, लेकिन फिलीपीन भी बहुत अच्छा है, यहाँ पर सेटल होने के लिए अच्छा है। तो ये है कि देखो, ओके, तो ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी हैं वो इंडिया से, पर आप जब फिलीपीन जब यहाँ पे पहुँचते हैं और जब आप ना भारतीय को देखते हैं तो एक आपको बड़ा अच्छा फील होता है, एक एक्साइटमेंट होती है हिंदी बोलने में। तो ये है, तो अभी लस्सी भी मिल रहा है, देखो लस्सी भी मिल रही है, तो बोहोल है ये कोई, और ये बड़ा टाउन भी नहीं है, ये एक छोटा सा मतलब टाउन है, सिटी भी नहीं है, बट यहाँ पे इंडिया का आपको मिलेगा सब कुछ है। तो देख रहे हो यहाँ पे हुक्का हुक्का आपका जो भी है और इंडियन सॉन्ग सुन है, तो मजा भी है। तो भाई देखो मजा भी है। तो जब आप आए थे यहाँ पे तो फर्स्ट टाइम, अब मतलब कब आए थे आप इधर? नहीं, एक्चुअली मैं यहाँ पे 2019 में एक बार आया था, फिर मैं अपने वाइफ को इंडिया लेकर गया, इंडिया में शादी की, फिर वाइफ को यहाँ छोड़ा, फिर मैं दुबई गया, फिर वहाँ से मालदीव्स गया, फिर उसके बाद मैं डिसाइड किया यार बहुत हो गया अभी दूर वाइफ से, अभी नौकरी वोकरी छोड़ो भाई, चलो बहुत में सेटल होगा। मैंने कुछ नहीं सोचा, ऐसा नहीं सोचा मेरे पास 50 मिलियन रहेगा तभी मैं जाऊंगा, थोड़े पैसे थे बट सेविंग थी, थोड़े सेविंग थे, मैं बहुत बड़ा रिच भी नहीं था, थोड़े सेविंग था, मैं कॉन्फिडेंट था बहुत ऐसा जगह में जाके सेटल हो जाऊंगा वहाँ। भाई मेरा अपना घर बन रहा है, ऑलमोस्ट नेक्स्ट मंथ में रेडी हो जाएगा यहाँ का अपना घर।
बाकी वाइफ है, सपोर्ट है, मजे में चल रही है। जब आपने शादी आपकी हुई थी, आपकी शादी 2019 में, वाइफ को इंडिया लेके बिहार में, तो आप मिले क्या कहते ऐसे थे? हम लोग दुबई में काम, दुबई में दोनों आप मैं और मेरे वाइफ स्पेशल काम किए एक साथ। ओके, फिर उसके बाद डिसाइड किए कि अब शादी करना है, फिर वाइफ आई यहाँ पे, मैं भी आया, शादी किए यहाँ पे, फिर इंडिया ले गए, रीति रिवाज से शादी की। यहाँ पे आपने शादी की, पर आपका जो पेपर रखे वो नहीं, मैं दुबई से ऑलरेडी प्रोसेस कर दिया। ओके, तो शादी के मैं इंडियन एम्बेसी दुबई में शादी किया था, पेपर सारे मैंने वहाँ बनवा लिए। हाँ, तो आपने दुबई में इंडियन एम्बेसी सारे पेपर मैंने वहाँ रेडी किए, यहाँ आया घूमा, फिर इंडिया आके इंडियन रीति रिवाज से शादी की। सो अगर आप एक फॉरेन देश में हैं, थर्ड देश में हैं, और आप एक फिलिपिनो से मिलते हैं, तो आप वहाँ पे भी अपनी शादी कर सकते हैं। दुबई में तो दुबई इज द बेस्ट प्लेस फॉर मैरिज। देख लो भाई, आपके लिए अनदर चांसेस है कि अगर आपकी शादी फिलिपिन में, आपको पेपर वर्क मुश्किल लग रहा है, इंडिया में मुश्किल लग रहा है, तो दुबई में भी आप इंडियन एम्बेसी में जाके शादी कर सकते हैं। आपको लगेंगे तकरीबन 3 से 4 महीने, 3 या 4 महीने, वहाँ के पेपर वर्ल्ड वाइड वैलिड है। ओके, मैं यहाँ पे कहीं भी अपना सर्टिफिकेट दिखाऊं, आई एम डन। तो क्या जब आप वापस करते हैं शादी, तो आपको पेपर वर्क दुबई एम्बेसी 10 steps, वो आपको एक एक करके फॉलो करना है। ओके, तो पहला होगा भाई आपको मदर फादर दोनों तरफ से सिंगलनेस का दोनों तरफ से वो चाहिए कि दोनों के पेरेंट्स रेडी हैं या शादी करने के। ओके, तो उनको लॉयर के पास जाके दोनों कंट्री में पेपर बना के भेजना पड़ेगा। ओके, फिर आपको सिंगलनेस का सर्टिफिकेट चाहिए, फिर उसके बाद आपको सबसे ज्यादा जरूरी है आपको न्यूज पेपर में पब्लिश करना है, इंडिया, दुबई एंड फिलिपीन, तीनों कंट्री में। ओके, पब्लिश करने के बाद आपको 1 महीने तक वेट करना है। अगर 1 महीने के अंदर दोनों साइड के किसी पेरेंट्स ने क्लेम कर दिया तो शादी नहीं कर सकते, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप 1 महीने के बाद शादी कर सकते। सो टूरिस्ट जो जाते हैं वो भी शादी जो लोग वहाँ पे कर रहे हैं जॉब, उनके लिए वो इजी होगा क्योंकि वो अपनी गर्ल्स लाइन को यहाँ से वहाँ पे बुला सकते हैं, उसके बाद आप वहीं पे शादी कर सकते हैं। अगर आप फिलिपिन में शादी करेंगे तो आप इंडिया में प्रॉपर कर नहीं ला, क्योंकि वहाँ से वो चाहिए परमिशन चाहिए। लेकिन अगर आपने दुबई से किया तो आपको ना तो वहाँ प्रूफ करना है ना यहाँ प्रूफ करना है, क्योंकि डैड इज ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड अप्रूव्ड। ओके, सो देखो आपके पास अनदर वे है, सो लोगों से मिलते हैं तो थॉट्स आते हैं क्योंकि, लेकिन अगर आप दुबई से आ रहे हो, कोई भी अरबिक कंट्री से आ रहे हो, आप पेपर वहीं एम्बेसी से करना चाहते हैं, वो ज्यादा बेस्ट है। तो भाई होगा ऐसा है कि देखिए अगर आपको जस्ट कि हर 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 थिंग का एक वे या सोल्यूशन होता है कि आपको वो है कि नाक अगर यहाँ से भी पकड़ी जा रही है सीधी, तो उल्टे करके भी पकड़ सकते हैं। पेपर वर्क इज इम्पोर्टेंट। तो ये है तो ऐसा, तो देखिए अगर आप लोगों से मिलते हैं और इंडियन से, वो किस तरीके से यहाँ पे सेटल हुए हैं, क्या क्या उन्होंने किया हुआ है, तो हर तरीके का जो काम है, हर तरीके से किस तरीके से, तो सीख सकते भाइयों। देखो इस भाई ने यहाँ पे सेटल होने के लिए प्लानिंग की। ओके, कि फर्स्ट फेसबुक से कांटेक्ट जो भी होते हैं कांटेक्ट देके जो जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनको कांटेक्ट भेजे कि जॉब के लिए, और सम अगर कोई वहाँ पे रिक्वायरमेंट है तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं कि जब आप यहाँ पे पहुँचते हैं या उससे पहले आप क्या है कि जॉब अगर ढूंढना चाहते हैं यहाँ पे, तो फेसबुक पेज पे जाइए और ऑनलाइन सर्च कीजिए, जो भी इंडियन आपकी सिटी में रहते हैं उनके साथ कांटेक्ट कीजिए, मे भी शायद कोई आपकी हेल्प कर सके। तो आपको जो फिलिपिन में रहना है या पे अपनी वाइफ के साथ सेटल होना है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा गूगल सर्च जो है वो करनी होगी। तो अंशी और बहन है, ये यहाँ की वो है, मालकिन है, ओनर है, और ये है जयपुर से है। तो